आज हम एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और अपने देश में ही घूमने के लिए सड़क के इस्तेमाल यानी लैंड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे से जुड़ने के लिए हाईवे बनाए जाते हैं और ये हाईवे दूसरे सड़कों से ज़्यादा लंबे होते हैं और चौड़े भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ घूमते हैं। ये हाईवे होते हैं, इन्हें मेन रोड भी कहते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट के बदले में क्या होगा अगर हम अंटार्कटिका छोड़ के बाकी सारे कॉन्टिनेंट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक बड़ी ग्लोबल हाईवे बनाए तो क्या होगा? इसका मतलब अंटार्कटिका छोड़ के बाकी जो भी 6 कॉन्टिनेंट है वहाँ रहने वाले लोग वो रोड पे, वो सड़क पे सीधे जाएंगे तो दूसरे कॉन्टिनेंट कौन जाना चाहिए? क्या ऐसा होगा? सबसे पहले तो ऐसा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। हमारे दुनिया में पानी ज़्यादा है ज़मीन से और इस कारण मतलब ब्रिज बहुत बनाना पड़ जाएगा और इसलिए ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। और ये बनाएंगे तो भी एयर ट्रांसपोर्ट से मतलब प्लेन के इस्तेमाल से ज़्यादा फास्ट नहीं होगा। एस्टिमेटेड है कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने के लिए 28 डेज लग जाएंगे, जबकि प्लेन का इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन की बात है, यहाँ तो एक महीना लग जाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत आता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करने में। ऑस्ट्रेलिया के रोड नेटवर्क को दूसरे मतलब ये ग्लोबल हाईवे अगर हम बनाएंगे तो वहाँ कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है और ब्रिज बनाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया शायद ही हाईवे से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बाकी के 5 कॉन्टिनेंट शायद ही कनेक्ट हो जाएंगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल नहीं होगा। एशिया, यूरोप और अफ्रीका कनेक्टेड दिखते हैं और लगता है कि इसका सारा रोड नेटवर्क एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक ही सिस्टम है और यहाँ पे हमें बीच कहीं फिर से रोड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम गौर से देखेंगे तो एशिया और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे कोई ज़मीन का कोई रोड कनेक्शन नहीं है, बीच में रेड सी आ जाता है, ये इजिप्ट के पास आता है और यहाँ पर ब्रिज बना गया है और इसलिए ये सारा सिस्टम, ये तीनों कॉन्टिनेंट एक ही रोड सिस्टम कंसिडर होता है। प्रॉब्लम आता है यहाँ पर एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच ये डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे और अगर वो कुछ डैमेज भी हो गया तो सारा ब्रिज गिर जाएगा और इसकी वजह से मतलब एक तरीके से रिकरिंग कॉस्ट हो जाता है और बार बार उसे रिपेयर भी बनाना पड़ जाएगा और सेफ भी नहीं है उतना लंबा ब्रिज बनाना, इसलिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। उसके ऊपर ये मतलब पूरी दुनिया में अंटार्कटिका छोड़कर सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है रशिया के इस पार्ट में और इसलिए यहाँ पे मतलब बनाना भी बहुत मुश्किल है, काम करना भी मुश्किल है। बहुत ही ठंडा रीजन है। पहला जो शहर मिलेगा वो है अलास्का और अलास्का को कनेक्ट करने के बाद भी नॉर्थ अमेरिका के पूरे रोड नेटवर्क को कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फिर से बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। इतना करोगे तो सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। एक सेकंड, साउथ अमेरिका को तो हमने छोड़ ही दिया। अब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो फिर से नई रोड बनने की क्या ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आता है डेरियन गैप और ये नॉर्थ अमेरिका के रोड नेटवर्क जो भी है वो यहाँ पर जुड़े नहीं हैं। यहाँ पर करीब करीब 90 माइल बिना कोई रोड के और बहुत ही जंगल है इस जगह पे और स्वॉम्प्स है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर भी रहते हैं, मिट्टी भी ठीक नहीं है, इस जगह पर बहुत ज़्यादा ड्रग डीलिंग होती है, यहाँ पर ड्रग लॉर्ड्स रहते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है और इसलिए मतलब जो भी एस्केप करने वाले होते हैं नॉर्थ अमेरिका से साउथ या फिर साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाने वाले जो भी होते हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ रोड तो बिल्कुल नहीं बन सकता। और फिर आता है टाइम फैक्टर, क्योंकि अगर ये रोड बन भी जाएगा तो 28 डेज लग जाएगा एक जगह से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जाने में, जबकि अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन में ही हम मतलब दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच जाएंगे आराम से और पैसे भी कम खर्च हो जाएगा, इसीलिए ये मतलब हम बनाएंगे तो भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा।